और अब शुरू करेंगे देश का बुलेटिन बड़ी खबर के साथ। चीनी मीडिया को भारत ने लताड़ लगाई है। चीनी मीडिया में एनएसए अजीत डोभाल का झूठा बयान जारी किया गया। भारत चीन टकराव पर सेना की लंबी तैयारियों पर चीनी मीडिया ने झूठ बोला है। चीन की सरकारी मीडिया में फर्जी खबरें, चाइना डेली और ग्लोबल टाइम्स में फर्जी खबरें, तथ्यों पर आधारित नहीं है चीनी मीडिया की खबरें। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना के झूठ का पर्दाफाश हुआ है और चीन के 30 सैनिक हथियारों के साथ देखे गए हैं। चीनी सैनिकों के पास राइफल्स हैं, धारदार हथियार हैं। चीनी सैनिकों के पास भाले, पर्चे जैसे हथियार भी हैं। पीएलए ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। चीनी सैनिकों के पास रॉड और धारदार हथियार भी हैं। एलएसी पर हालात बेहद तनावपूर्ण है। भारत चीन ने विरोध दर्ज करवाया है और एक दूसरे पर यह विरोध दर्ज करवाया गया है। फायरिंग पर भारत ने दर्ज कराया विरोध। चीन की हरकतों पर भारत का सख्त विरोध। बीजिंग ने भी भारत से दर्ज कराया है विरोध। सात सितंबर की एक तस्वीर सवाल उठा रही है और इस तस्वीर में 30 चीनी सैनिकों की टोली हाथ में फरसे और भाले जैसे हथियारों के साथ खड़ी है और कंधे पर राइफल टांगे हुए है। 100 सेकंड में ये खबर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये तस्वीर 7 सितंबर यानी उसी दिन की है जब 45 साल बाद एलएसी पर गोलियां चली। तस्वीर में पेंगोंग के दक्षिणी छोर के करीब मुखपारी हाइट की तलहटी में चीनी चांडालों की चौकड़ी नजर आ रही है। 7 सितंबर की शाम जिनपिंग के जल्लादों की ये टुकड़ी हमारी सरहद में घुसपैठ का मंसूबा लिए पहुंची थी। 30 चीनी सैनिक बंदूकों के साथ नजर आ रहे हैं। इनके हाथों में डंडे हैं जिनके ऊपरी हिस्से धारदार हैं। ये हथियार देखने में भाले या फरसे जैसे हैं, यानी चीनी गलवान की तरह ही पीठ में खंजर घोंपने का मंसूबा लिए पहुंचे थे। सूत्र कहते हैं कि ये तस्वीरें 7 सितंबर की शाम की हैं, सूरज डूबने से थोड़ी देर पहले की। दरअसल चीन के सैनिक भारतीय पोस्ट के नजदीक आने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हिंदुस्तान की तरफ से करारी वार्निंग देकर सावधान किया गया। भारत की ओर से फायरिंग की धमकी भी दी गई, लेकिन फायरिंग नहीं की गई क्योंकि तब तक चीनी सेना ने अपने कदम रोक लिए। सूत्र ये भी बताते हैं कि चीन के कुछ सैनिक अभी भी वहां मौजूद हैं, लेकिन खास बात यह है कि अब ड्रैगन की बुजदिल फौज भारतीय पोस्ट की तरफ बढ़ने से डर रही है। हालांकि ये साफ नहीं है कि चीनी सेना की इस टुकड़ी ने ही फायरिंग की थी या कोई अन्य टुकड़ी थी, लेकिन इस तस्वीर के बाद ही चीनी सेना ने हवाई फायरिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन से लगातार चीनी सैनिक उन चोटियों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां भारतीय सैनिक तैनात हैं। जिस तरह पहले पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 में भारत चीन सैनिक आमने सामने थे, उसी तरह अब तनाव का सबसे बड़ा पॉइंट साउथ पेंगोंग में रेजांग ला के पास की चोटियां बन गई हैं। और बड़ी खबर, भारत चीन तनाव में मध्यस्थता रशिया नहीं करेगा। बिना बुलावे दो देशों के बीच में नहीं आएगा, ये रूस का स्टैंड है। रूस पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिसमें एससीओ की बैठक में शामिल होंगे एस जयशंकर। कल चीन के विदेश मंत्री से बातचीत भी होगी। भारत चीन टकराव पर हो सकती है बात, साथ ही पीएम मोदी और जिनपिंग की मीटिंग कराने पर भी बात हो सकती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और भारत के तनाव के बीच में सैटेलाइट इमेज के बाद बड़ा खुलासा हुआ। सैटेलाइट इमेज में खुलासा हुआ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने कैंप और बेसिस तैयार कर रखे हैं। वहीं चीनी सेना के सामने भारतीय सेना ने भी अपना डेरा डाला है और ऐसी स्थिति में युद्ध की पूरी संभावना है। 100 सेकंड में ये पूरी खबर समझिए। सैटेलाइट इमेज से बड़ा खुलासा। भारत के हुंकार से कांपा ड्रैगन। एलएसी पर चीन भारत की मोर्चाबंदी। उधर चीनी सियार, इधर हिंद के वीर। भारत के हौसले बुलंद हैं, एलएसी पर हिंद के वीर हैं, ड्रैगन पस्त है, डर के मारे हाल बेहाल।
बंदर हुड़की देने में माहिर चीन का सामना हिंदुस्तान से है। ड्रैगन उन जाबाजों के सामने खड़ा है जिन्हें तूफान का भी रुख मोड़ना आता है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि LAC पर चीन ने अपने कैंप और बेस तैयार कर लिए हैं। उधर चीनी गीदड़ों के सामने हिंद की फौज ने भी डेरा डाल लिया है। लद्दाख की रूह कपाने वाली ठंड अब ड्रैगन को डराने लगी है, जो चीन अपने सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स से युद्ध की धमकी देता रहा है, वो अब शांति का राग अलाप रहा है। दरअसल लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिण हिस्से में भारत के एक्शन से चीन भड़का हुआ है, लाल सुल्तान बिलबिलाया हुआ है। इसी झुंझलाहट में चीनी सेना ने भारत के फॉरवर्ड पोजीशन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों के सामने उसकी एक नहीं चली। भारतीय सेना ने चीन के खौफनाक इरादों को नस्तनाबूद कर दिया। उकसावे के लिए चीनी सेना के जवानों ने गोलियां भी चलाई। चीनी सेना किसी भी तरह भारत के फॉरवर्ड पोजीशन पर कब्जा करने की फिराक में है। अब ताजा सैटेलाइट इमेज से चीन की इन्हीं हरकतों का खुलासा हुआ है। नई तस्वीर में खुलासा हुआ है कि चीनी सेना लद्दाख के दक्षिणी पेंगोंग झील के ब्लैक टॉप इलाके में भारतीय सेना के पोस्ट के ठीक सामने बड़ी संख्या में अपनी सेना की तैनाती कर रहा है। भारतीय फॉरवर्ड पोस्ट के ठीक आगे वो अपनी सैन्य चौकियां तैयार कर रहा है, यानी चीन और भारत की सेना आमने सामने है और युद्ध तय है। और भारत चीन सैनिकों के बीच बार बार झड़प क्यों होती है, ऐसे में मैकनहूम लाइन के बारे में पूरी डिटेल्स जानना भी बेहद जरूरी है। ये जो सीमा है वो 1914 में तय हुई थी, लेकिन चीन इसे क्यों नहीं मानता है, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। भारत और चीन के बीच कुल 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये तीन सेक्टरों में बटी हुई है, वेस्टर्न सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सेंट्रल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ईस्टर्न सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसमें से अरुणाचल से लगने वाली सीमा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। भारत इसे ही वास्तविक सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे नहीं मानता। दरअसल 1914 में शिमला में एक सम्मेलन हुआ जिसमें तीन पार्टियां थीं, ब्रिटेन, चीन और तिब्बत, जिसके मुख्य वार्ताकार सर हेनरी मैकमोहन थे। इस वजह से इसका नाम मैकमोहन लाइन पड़ा। लेकिन चीन का कहना है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने समझौता किया था, तब वो वहाँ मौजूद नहीं था। और वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच में तनाव बरकरार है। तो उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिन की यात्रा पर रूस पहुंच चुके हैं। SCO की बैठक के लिए रूस में इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, जहां चीनी विदेश मंत्री भी हैं। कल चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात हो सकती है। LAC पर इस वक्त जो तनाव की स्थिति है उसे लेकर चर्चा हो सकती है इस बातचीत में, इस मीटिंग में। पहले राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे जब चीनी रक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी। 1975 के बाद LAC पर वो हुआ जिसका किसी ने अंदाजा तक नहीं लगाया था। भारत और चीन के बीच तनाव जरूर था, लेकिन गोलाबारी की नौबत नहीं आई। लेकिन इस बार चीनियों ने तो हद कर दी। LAC पर ड्रैगन से तनाव जबरदस्त, रूस में चीनी विदेश मंत्री को देंगे शिकस्त। बॉर्डर पर चीन और भारतीय सैनिकों के बीच जबरदस्त तनाव है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिन की रूस यात्रा पर हैं। SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक में चीनी विदेश मंत्री से भी जयशंकर की मुलाकात होगी। आमना सामना भी होगा। देश के दूसरे विदेश मंत्रियों के बीच LAC पर मचे घमासान पर चर्चा भले ना हो, लेकिन एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री के बीच 10 अक्टूबर को मुलाकात संभव है। मुलाकात होगी तो संभव ये भी है कि हमेशा की तरह चीन भी शांति का राग अलापेगा। सालों से चीन ही इस प्रकार की शुरुआत करता रहता है। आपने देखा होगा पिछले साल डोकलम में भी चीन ने यही कार्रवाई की, और उसके बाद भारत अपने इरादे पर खड़ा रहा और चीन को फिर हटने पड़ा। यहाँ पर भी चीन वही कोशिश कर रहा है, और भारत ने अभी जवाब दे दिया है कि इस प्रकार की हरकत नहीं होगी। जो पहले के प्रोटोकॉल नियुक्त किए गए हैं उसी प्रकार से चलना होगा। इससे पहले राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री की रूस में मुलाकात हुई। LAC पर चीन की कारगुजारियों पर राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री से चर्चा की, लेकिन आखिर में चीन ने पूरी जिम्मेदारी भारत के ऊपर थोप दी।
मोदी की विदेश नीति की एक बड़ी जीत हुई है। चीन जिस पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठाकर साधने की कोशिश कर रहा है, रूस ने भारत के कहने पर पाकिस्तान को हथियार देने से इनकार कर दिया है। जाहिर है इस बार चीन के ऊपर इसका भी दबाव होगा। चीन के साथ एक तरफ युद्ध नीति चल रही है तो दूसरी तरफ कूटनीति के जरिए भी ड्रैगन पर काबू पाने की कोशिश जारी है और इसी कड़ी में रूस में विदेश मंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात का रास्ता भी साफ हो सकता है। क्या एलएसी पर चीन के उकसावे से भारत का धैर्य जवाब दे रहा है? क्या पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन से जंग ही अब आखिरी रास्ता है? ये सवाल अब पूरी गंभीरता के साथ हिंदुस्तान के सामने आ गया है। एलएसी पर दोनों सेनाओं के 1,00,000 से ज्यादा सैनिक, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें एक दूसरे के सामने तने हुए हैं। एलएसी पर ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत चीन के साथ उसी के अंदाज में हिसाब बराबर कर रहा है। विदेशी मंत्री भी चीन के विदेश मंत्री वांग यी से कल मास्को में मिलेंगे और इस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि मास्को भारत के इतिहास में नई इबारत जोड़ने में कामयाब रहे, क्योंकि गुरुवार को भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट जिनपिंग की मुलाकात को लेकर चर्चा हो सकती है। यानी ये भी संभव है कि जल्द ही रूस में एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी और जिनपिंग मिलें। वैसे हमें सतर्क रहना होगा, रेजांगला से गलवान तक हिंदुस्तानी सैनिकों की शहादत हमें सचेत करती है। चीन अपनी जबान पर कभी नहीं टिकता। कूटनीति में सबसे बड़ी कीमत जुबान की होती है। चीन बेलगाम भी है और बदजुबान भी। वो दुनिया के किसी भी देश को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी देने से बाज नहीं आता। अब तक ताइवान, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सबको धमका चुका है और तो और भारत के लिए भी जिनपिंग के भोपू सीमा तोड़ चुके हैं। 1962 से भी बुरा हाल करने की गीदड़ भपकी दे चुके हैं। ये तय है कि अब अहंकारी चीन दुनिया को ऐसे धमका नहीं सकता। रही बात भारत की, तो सब जानते हैं कि 1962 और 2020 के हिंदुस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। दक्षिण पैंगोंग की चोटियां इसकी गवाह हैं। बीजिंग इतना बहरा भी नहीं कि यहां से उठी गूंज न सुन सके। और बड़ी खबर, पाकिस्तान में आर्मी बेस बनाने की फिराक में चीन है। पाकिस्तान में आर्मी बेस बनाने की तैयारी में चीन और पाकिस्तान में चीन के गहरे राजनीतिक हित है, ये यूएस का कहना है। केन्या और तंजानिया में आर्मी बेस चीन बनाएगा। अंगोला, तजाकिस्तान में चीन आर्मी बेस तैयार करेगा। 5 भारतीयों के अगवा होने पर पीएलए का कबूलनामा। बड़ी खबर यह कि TV9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर हुआ है। अरुणाचल से अगवा 5 भारतीयों को चीन छोड़ेगा। TV9 भारतवर्ष ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था जिसका असर अब हुआ है। और आर्मी ने हॉटलाइन पर बात की थी जिसकी जानकारी किरण रिजिजू ने दी थी। आप 5 नागरिकों को छोड़ने का जब अल्टीमेटम दिया तो आप चीन माना है और 5 भारतीयों को छोड़ेगा चीन, इसकी जानकारी भी किरण रिजिजू ने ट्वीट करके दी। चीन की हर चाल से दुनिया वाकिफ है। चीन की हरकतें उसकी कहानी को खुद ही बयां करती हैं और दुनिया यह भी जानती है कि पहले ड्रैगन उकसाता है और उसके बाद हमला करता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी चीन कुछ ऐसा ही कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश की कार्रवाई भी उसने उकसावे वाली ही की है। 100 सेकंड में ये पूरी खबर देखिए। अपने विस्तारवादी मंसूबों को अंजाम देने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है। रिश्ते उसके लिए मायने कभी नहीं रखते। साम दाम दंड भेद सब कुछ वो लगा देता है। चीन की उकसाने वाली चाल, क्या ड्रैगन युद्ध चाहता है? हकीकत यही है। एलएसी पर चीनी सैनिक अपने इसी मंसूबे को अंजाम देने में जुटे हैं, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अरुणाचल प्रदेश के 5 भारतीयों को चीन ने अगवा कर लिया। 3 सितंबर को भारतीय सेना ने चीनी सेना से शिकायत भी की, लेकिन चीन ने कोई जानकारी नहीं दी। चीन को तब थोड़ी बहुत शर्म आ गई जब सिक्किम में 3 चीनी नागरिक फंस गए थे जिनके भारतीय जवानों ने मदद की, उन्हें ऑक्सीजन और खाना दिया, सही रास्ते पर भेजा। अब जाकर चीन ने ये माना कि लापता हुए 5 भारतीय उनके पास हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश के 5 लापता लोगों के बारे में भारतीय सेना द्वारा भेजे गए हॉटलाइन संदेश का चीनी सेना ने जवाब दिया है। चीनी सेना ने पुष्टि की है कि अरुणाचल प्रदेश से लापता युवक उनकी तरफ मिले हैं। युवकों को वापस लाने पर काम जारी है। हालांकि कल तक चीन भारतीयों को पकड़े जाने की बात से साफ इनकार कर रहा था, फिर चीन को थोड़ी बहुत शर्म आ गई।
हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब चीन उकसावे की कार्रवाई करता है ताकि युद्ध की शुरुआत भारत की तरफ से हो और उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी से भारत को घेरने और खुद को बेचारा साबित करने का मौका मिल सके। लेकिन चीन ये नहीं जानता कि उसकी चाल अब पुरानी हो चुकी है। दुनिया चीन का मकसद भी जान चुकी है और उसकी चाल को भी बखूबी समझ चुकी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शी जिनपिंग का जो पाक दौरा रद्द हुआ था उसके रद्द होने को लेकर बड़ा खुलासा यह है कि चीन पाक ने इसे लेकर झूठ बोला। कोरोना से नहीं, विरोध के डर से ये दौरा रद्द हुआ है। जिनपिंग के खिलाफ पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होने का डर था और इसी डर से जिनपिंग का पाकिस्तानी दौरा रद्द किया गया। सुशांत केस में अपने बेबाक बयानों की वजह से कंगना रनौत शिवसेना के निशाने पर हैं। संजय राउत की चेतावनी के बाद कंगना आज मुंबई जाने वाली हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार बॉलीवुड अभिनेत्री को चौतरफा घेरने में जुटी है। बीएमसी ने उनके दफ्तर पर नोटिस चस्पा कर दिया तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ड्रग मामले पर मुंबई पुलिस से जांच कराने की बात की है। शिवसेना की चेतावनी, कंगना का वार। कंगना के नाम पर मुंबई में महाभारत। आज मुंबई पहुंचेगी बॉलीवुड की क्वीन। क्वीन की सुरक्षा टाइट, शिवसेना से फाइट। सियासत जम गई है, शिवसेना और कंगना में ठन गई है। एक तरफ बॉलीवुड की क्वीन, दूसरी तरफ शिवसेना के तीर। सुशांत के मौत के मामले में मचे घमासान के बीच कंगना की तीखी बयानबाजी से शिवसेना इस कदर घायल हुई कि संजय राउत ने मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ दी। शिवसेना के तरफ से बयानों और धमकियों की ऐसी फुहड़ बारिश हुई कि बॉलीवुड की मणिकर्णिका की त्योरियां भी चढ़ गईं। शिवसेना की मुंबई न आने की चेतावनी का जवाब क्वीन ने भी अपने अंदाज में दे दिया। आज 9 सितंबर है, ये वही तारीख है जब कंगना मुंबई पहुंचने वाली हैं। कंगना की सिक्योरिटी टाइट है, केंद्र सरकार ने कंगना को वाई प्लस सिक्योरिटी दी है। तो महाराष्ट्र में सुरक्षा देने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले गुट के सर्वे सर्वा और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी कंगना को सुरक्षा का भरोसा दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी कंगना की सुरक्षा का बंदोबस्त कर दिया है। वाई प्लस की जो सिक्योरिटी दी है तो उसमें 11 कमांडो सीआरपीएफ के साथ रहेंगे ऐसा, और वो वहाँ पर पहुँच भी गए हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी एक जिम्मेवारी थी, उस जिम्मेवारी को हमने ठीक तरह से निर्वहन करना है, तो इसलिए हमने ये निर्णय। उधर कंगना ने मीडिया से दूरी बनाई हुई है। संजय राउत के बयानों पर उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। मैम, जिस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए उसको लेकर क्या कहना है आपका? हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भावला में कंगना ने अपने घर पर रात गुजारी। खबर है कि वो आज सुबह ऊना होकर चंडीगढ़ जाएंगी और फिर चंडीगढ़ से मुंबई के लिए निकलेंगी। उधर दूसरी तरफ कंगना से नाराज महाराष्ट्र सरकार उन्हें चौतरफा घेरने में जुट गई है। एक तरफ जहां बीएमसी ने उनके दफ्तर पर नोटिस चस्पा कर दिया है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने अध्ययन सुमन के उस पुराने इंटरव्यू के आधार पर मुंबई पुलिस से जांच कराने की बात कही है जिसमें उन्होंने कंगना पर ड्रग्स लेने के आरोप लगाए थे। फिलहाल कंगना रनौत का कोरोना टेस्ट किया गया है जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि कंगना आज मुंबई रवाना हो पाएंगी या नहीं। इतना तय है कि कंगना के मुंबई आने के बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा और भी चढ़ेगा। एक तरफ बीएमसी ने कंगना को क्वारंटीन करने के लिए कहा है तो दूसरी तरफ शिवसेना की महिला विंग ने कंगना को सबक सिखाने की बात कही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रिया को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और रिया को एनसीबी दफ्तर में रात बितानी पड़ी। आज रिया को जेल में शिफ्ट किया जाएगा। रिया के वकील सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाएंगे। कल एनसीबी ने ड्रग मामले में रिया को गिरफ्तार किया था। सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाने में जांच एजेंसियां जुटी हैं। एक एक राज, एक एक बात छन छन कर बाहर आ रही है। एक तरफ सीबीआई, दूसरी तरफ एनसीबी,
तीसरी तरफ ईडी सब मिलकर सुशांत से जुड़े हर राज को बेपर्दा करने की कोशिश में हैं। रिया के गुनाहों का हिसाब हो रहा है। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। कोर्ट ने रिया की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। रिया की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एनसीबी ने कहा था कि रिया को जमानत मिलने से केस प्रभावित होगा। रिया के खिलाफ जो धाराएं लगी हैं वो जमानती जरूर हैं, लेकिन एनसीबी ने जमानत के विरोध में जो पुख्ता दलीलें दी वो कोर्ट ने मान ली। कोर्ट ने रिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, लेकिन मंगलवार को उन्हें जेल नहीं भेजा जा सका। दरअसल जेल रूल के मुताबिक शाम को जेल कैदियों की गिनती के बाद नया कैदी नहीं आता, और यही वजह थी कि बीती रात रिया एनसीबी के लॉकअप में ही रहीं। रिया को आज भाईखला जेल ले जाया जाएगा। उनके वकील सतीश शिंदे सेशंस कोर्ट में जमानत के लिए जाएंगे। सेशंस कोर्ट से जमानत मिलने पर ही रिया जेल से बाहर निकल पाएंगी। अब आपको बताते हैं रिया की गिरफ्तारी से पहले मंगलवार को क्या हुआ। मंगलवार को लगातार तीसरे दिन एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ के लिए रिया पहुंची। एनसीबी ने पूछताछ के बाद 3:45 पर रिया को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच के लिए उन्हें सायन अस्पताल ले जाया गया, जहां रिया का कोरोना टेस्ट भी किया गया। शाम 7:40 पर एनसीबी के दफ्तर रिया वापस लौटी। एनसीबी के दफ्तर में 8:15 रिया को ऑनलाइन माध्यम से कोर्ट के सामने पेश किया गया। एनसीबी ने जमानत अर्जी का विरोध किया और इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने रिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी। फिलहाल रिया को अगर सेशंस कोर्ट से जमानत मिलती है तभी वो जेल से बाहर आ पाएंगी। सुशांत केस में ड्रग एंगल आया और उसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। 3 घंटे की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि सीबीआई जांच से पहले सुशांत मौत केस के तार जितनी जगहों से जुड़ते दिख रहे हैं वो सब अब पीछे आखिर क्यों छूट रहे हैं। पकड़ने चले थे तीतर और बटेर पकड़ ले आए। सुशांत राजपूत की मौत के 85 दिन बाद रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई, लेकिन सुशांत की मर्डर मिस्ट्री अब भी शायद वही है जहां सुशांत के मौत वाले दिन थे। पहले मुंबई पुलिस, फिर ईडी और फिर सीबीआई, देश की 3-3 बड़ी जांच एजेंसियां सुशांत मर्डर केस को सुलझाने में जुटी है, लेकिन पूरा मामला ड्रग्स रैकेट की तरफ मुड़ गया। लंबी पूछताछ और पुख्ता सबूतों के आधार पर रिया को ड्रग्स लेने के आरोप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने गिरफ्तार किया। रिया चक्रवर्ती की एनडीपीएक्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी की जा चुकी है। उसके पहले शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा जैसे लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। सैमुअल मिरांडा रिया चक्रवर्ती का करीबी था, शोविक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती का छोटा भाई है। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। इसी अस्पताल में कुछ देर पहले ही रिया चक्रवर्ती को लेकर एनसीबी की टीम पहुंची है। मुंबई के इसी सायन अस्पताल में रिया का मेडिकल टेस्ट हुआ और कोरोना एंटीजन टेस्ट में वो निगेटिव पाई गई। आपको बता दें कि रिया को नारकोटिक ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस एक्ट की 4 धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ड्रग्स जमा करने, खरीदने और इस्तेमाल करने के आरोप हैं। जुर्म साबित होने पर रिया को 20 साल तक की सजा हो सकती है। इस गिरफ्तारी के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया, लिखा, भगवान हमारे साथ है। अब उनका कुछ कनेक्शन होगा ड्रग से, ड्रग पेडलर से, तभी एनसीबी ने गिरफ्तार किया होगा। और मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि भाई जो लोग अपने को इतना इनोसेंट प्लीट करते हैं, उतने इनोसेंट दिखते हैं, उतने इनोसेंट होते नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है, लेकिन ये गिरफ्तारी ड्रग पेडलिंग मामले में है। जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह की बात है तो वो सवाल अब तक जस के तस। अब भारत जिस परीक्षण की हम बात करने जा रहे हैं उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की क्षमता है। आपको दिखाते हैं दुश्मन देश में खलबली मचाने वाली यह रिपोर्ट। चीन का नक्शा बदलने वाला है, पाकिस्तान तो दुनिया के नक्शे से गायब ही होने वाला है,
क्योंकि एलएसी से लेकर एलओसी तक चल रही तनातनी के बीच हिंदुस्तान ने दुनिया की सबसे प्रलयंकारी हाइपरसोनिक तकनीक विकसित कर ली है, जिसका नाम है HST-DP, यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। हिंदुस्तान ने इसका सफल परीक्षण किया है। यकीन मानिए, आत्मनिर्भर भारत की रक्षा क्षेत्र में ये बड़ी कामयाबी है। मिसाइल वर्ल्ड में पहली बार हिंदुस्तान ने सनसनी मचा दी है। अब तक मिसाइल पावर के गेम में रूस, अमेरिका और चीन जैसे शक्तिशाली मुल्क बाकी दुनिया से आगे थे, लेकिन अब भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जिसने अपनी खुद की हाइपरसोनिक तकनीक विकसित की है, जो सबसे विध्वंसक, सबसे विनाशक और सबसे ज्यादा मारक मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम है। HST-DV एक ऐसा स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट या इंजन है जो अपने साथ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को ले जा सकेगा। इसकी रफ्तार ध्वनि से भी 6 गुना ज्यादा है। मतलब ये कि भारत अब चीन और पाकिस्तान पर ध्वनि से 6 गुना ज्यादा रफ्तार में मिसाइलें दाग सकेगा। भारत दुनिया के किसी भी कोने में दुश्मन के ठिकानों को कुछ ही सेकंड में तबाह कर देगा। और दुश्मन को इसे इंटरसेप्ट कर पलटवार करने का मौका भी नहीं मिलेगा। यही नहीं, इस तकनीक की मदद से भारत एंटी शिप मिसाइलें बना सकेगा जो पलक झपकते ही एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, इसके सफल परीक्षण से भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 की तैयारी में मदद मिलेगी। क्योंकि ब्रह्मोस 2 की तैयारी भी आखिरी चरण में है, इंतजार है तो सिर्फ बटन दबाने का। नई तकनीक के आने के बाद जैसे ही बटन दबा, हाइपरसोनिक मिसाइल किसी आग के गोले की तरह दुश्मनों पर कहर बनकर गिरेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।